सिग्नेचर ब्रिज जो है उससे 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो हमारा देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है अक्षरधाम से लेके सहारनपुर से देहरादून कनेक्ट किया जा रहा है, उससे मात्र 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे है। सिक्योरिटी आपको मिलेगी, गेट बंद मिलेगा, बाहर आपको क्या कहते हैं गेट के ऊपर एक गार्ड मिलेगा, सोसाइटी के अंदर ही आपको मार्केट मिलेगी, रोजमर्रा की जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती है सारी सोसाइटी के अंदर, स्कूल भी है, पार्क भी है, मंदिर भी है। सबसे पहले होलसेलिंग की बात करूंगा, जिसमें आपको ऐसे 2 टाइप के झूमर भी लगे हुए मिलेंगे और एक डिजाइनर फैन भी मिल रहा है, जो पूरी प्रॉपर मॉड्यूलर किचन देखने को मिल रही है। यहाँ पे है ना आपकी चिमनी आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक चिमनी रहेगी वो प्रॉपर हम लगा के देंगे। टीवी पैनल भी आपको बना के दे दिया है भाई, इधर आपका टीवी आ जाएगा, स्पेसियस टीवी लगा सकते हैं। अगले 6 महीने में आपको यहाँ पे मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, फिलहाल जो है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हमारा शिवगया मेट्रो स्टेशन और 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ISBT कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है। 70 गज का फ्लैट है ये, 10 लाख से 1 BHK शुरू हो जाता है, 2 BHK मात्र 15 लाख से शुरू होता है, वही 3 BHK हमारे पास 23 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। बैंक से 90% तक, और अगर आपकी और अच्छी प्रोफाइल है तो हम 95% तक का भी लोन आपका करवा लेते हैं। प्रॉपर रजिस्ट्री होके लोन हो जाता है, पक्की रजिस्ट्री है, प्रॉपर रजिस्ट्री यहाँ पे होती है। वेलकम फैमिली, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ काव्य होम्स के अंदर, और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 2 BHK फ्लैट, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि अफोर्डेबल प्राइस में गेटेड सोसाइटी के अंदर आप हमें 2 BHK फ्लैट दिखाएं, जो बहुत ही अच्छी लग्जरी चीज़ों के साथ आपको देखने को मिले। तो अभी हम खड़े हैं अपर ग्राउंड फ्लोर के अंदर, नीचे आप देख रहे हैं, नीचे आपको पार्किंग मिल जाएगी जिसमें आपको बाइक पार्किंग देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी वाइड यहाँ पे स्टेयर्स आ जाते हैं। आप स्टेयर्स देख रहे हैं कितनी वाइड स्टेयर्स हैं, 3.5 फुट की स्टेयर्स आपको मिल रही वाइड, और जिनके ऊपर पूरा पत्थर का काम किया हुआ है भाई। तो ये कहाँ पे बिल्डिंग्स है, कहाँ पे फ्लैट मिलेंगे, मोहित जी हमारे साथ हैं, इनसे सारी चीज़ जानते हैं और ये सारा यहाँ पे काम देख रेख करते हैं, संभालते हैं सारी चीज़ें। तो भाई मोहित भाई थोड़ा सा बताइए, बिल्डिंग कहाँ पे है, कैसे फ्लैट हैं आपके? देखिए सबसे पहले तो मैं लोकेशन की बात करता हूँ, ये बिल्डिंग जो है हमारी जो लोकेटेड है, जो लोकेशन हमारी पड़ती है ये मात्र सिग्नेचर ब्रिज जो है उससे 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो हमारा देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है अक्षरधाम से लेके सहारनपुर से देहरादून कनेक्ट किया जा रहा है, उससे मात्र 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे है। पास वाले जो एरिया है करावल नगर और खजूरी भजनपुरा, ये सारे पास में एरिया हमारे पड़ते हैं। ठीक है भाई, ये फ्लैट जो हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली के अंदर मिलने वाला है, जिस जो सपनों का घर होता है वही आज आपको पूरा करने वाला हूँ आपका सपना। तो दिल्ली के अंदर सिग्नेचर ब्रिज से मात्र 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में पड़ जाता है। एरिया का क्या नाम है इसका? DLF अंकुर विहार की रेल विहार सोसाइटी है। अच्छा जी, ये रेल विहार सोसाइटी है जो पूरी गेटेड सोसाइटी है। गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी आपको मिलेगी, गेट बंद मिलेगा, बाहर आपको क्या कहते हैं गेट के ऊपर एक गार्ड मिलेगा, ठीक है ना, कैमरे CCTV वगैरह सारी चीजें लगी हुई है, सारी फैसिलिटीज आपको सोसाइटी के अंदर मिलेगी, सोसाइटी के अंदर ही आपको मार्केट मिलेगी, रोजमर्रा की जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती है सारी सोसाइटी के अंदर, स्कूल भी है, पार्क भी है, मंदिर भी है और हेल्थ सेंटर भी है, और सारी चीजें आपको सोसाइटी के अंदर मिल रही है। बड़े बड़े रोड्स मिल रहे हैं, 30 से 40 फुट के रोड रहेंगे, बड़े बड़े पार्क मिल रहे हैं। और अगर आप ये फ्लैट विजिट करना चाहते हैं, इस टाइप के और भी फ्लैट देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके विजिट कर सकते हैं। तो जैसा भैया ने लोकेशन और बिल्डिंग के बारे में आपको बता दिया कि भाई हर फ्लोर के ऊपर है ना आपको 4 फ्लैट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 3 1 BHK रहेंगे, 1 2 BHK रहेगा। तो इसकी जो बालकोनी या गैलरी बोल रहे हैं आप वो आ जाती है, आप देख रहे हैं गैलरी के ऊपर भी पूरा मार्बल का काम किया है, मार्बल का पत्थर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी डिजाइन फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिल रहा है। इधर जैसे ही हम एंटर करेंगे सामने हमारा आ जाता है 2 BHK। हम इंटर करने से पहले ही आपको डोर दिखा दे, डोर आप देख रहे हैं पूरा है, डोर आपको मिल रहा है जो इंटरलॉक के साथ मिल रहा है, लॉकिंग सिस्टम मिल रहा है पूरा अच्छा आपको मिल रहा है, और ऊपर भी आपको है ना यहाँ पे हमने मिरर लगा के दिया है, शीशा लगा के दिया, जिससे वेंटिलेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। अंदर आते ही आपका सपनों का एक 2 BHK घर भाई, जो हमने सपने देखे थे ना वही चीज़ आपको मिल रही है। देखिए कितनी प्यारी फॉल सीलिंग के साथ मिल रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं फॉल सीलिंग की बात करूँगा, जिसमें आपको ऐसे 2 टाइप के झूमर भी लगे हुए मिलेंगे और एक डिजाइनर फैन भी मिल रहा है, और ऊपर भी लाइटिंग अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, जिनमें भाई LED लाइट्स भी इसमें लगी हुई हैं। और सामने हम बात करें
वॉलपेपर की, तो कितना प्यारा वॉलपेपर है जो हमने हर दीवार पे कियर की दिया। आप देख रहे ड्राइंग रूम की ये वाली जो पोर्शन रहेगा इस पे भी आपको वॉलपेपर मिल रहा है, लास्ट तक इधर तक आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा जो इस ड्राइंग रूम को बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और ये ड्राइंग रूम हमने है ना बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके बनाया है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट की टाइप में हमने आपको बना के दे रखे हैं, जिनमें किचन देख रहे हैं, किचन भी हमने साथ में ही दी है, इसमें आपको पार्टीशन देखने को मिल रहा है कितना प्यारा। ये अभी फाइनल टच होगा इसके ऊपर, जब आप इसको परचेज कर लेंगे तो उसके बाद सारा हम एक फ्लैट आपको फाइनल टच में करके देंगे जिसमें सारी चीज़ें आपको चमकती दमकती ही देखने को मिलने वाली हैं भाई, ठीक है। इसके साथ में ही आपको किचन देखने को मिल जाती है, जो पूरी प्रॉपर मॉड्यूलर किचन देखने को मिल रही है, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे कैबिनेट आपको बना के दे दिए जिसमें आपको पूरा सामान आ सकता है। यहाँ पे है ना आपकी चिमनी आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक चिमनी रहेगी वो प्रॉपर हम लगा के देंगे, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा सामान इनमें आ जाता है। आप कैबिनेट देख सकते हैं कितने प्यारे कैबिनेट हैवी जाल के साथ, यानी कि जो इसमें बास्केट आपको मिल रही है वो पूरी हैवी स्टील की मिल रही है, हैवी आपको चीज़ें मिल रही हैं। आप देख रहे हैं सारा सामान आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अंदर भी आप देख रहे हैं जैसे हमने बाहर टाइल्स का काम किया हुआ है ना, वैसे ही आपको अंदर भी टाइल्स का काम देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि भाई अंदर आपको काम करके दिया जिससे पैसे बचा लिए, पैसे बचाने का कोई इशू नहीं है, पूरे प्रॉपर वैसे सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ जैसे फर्श की बात करें ना, फर्श मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी ना ब्रांडेड टाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं जिनकी फिनिशिंग ऐसे ही रहने वाली है सालों साल तक, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ किचन के अंदर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, हमने लाइटिंग का तो ऊपर दिया ही हुआ है जिससे लाइटिंग बहुत अच्छी इसमें आ रही है, पर साथ में वेंटिलेशन आप देख रही है, देखो इसके साइड में भी गली है तो गली से पूरी वेंटिलेशन आपको मिलेगी। अभी यहाँ पे है ना लोहे का जाल भी आपको लग के मिल जाएगा जिससे आपकी सिक्योरिटी भी रहेगी और आप आराम से वेंटिलेटेड भी रहेंगे, पूरा जितना भी घर का धुआं वगैरह होता है सारा बाहर निकल जाएगा, तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग रूम में क्या चाहिए, आपका सोफ़ा डलेगा इसमें, आप आराम से यहाँ पर है ना 5 सीटर सोफ़ा या 7 सीटर सोफ़ा आराम से लगा सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं अपने टीवी का, क्योंकि हमने साथ में टीवी पैनल भी आपको बना के दे दिया है भाई। इधर आपका टीवी आ जाएगा, स्पेसियस टीवी लगा सकते हैं, टीवी का कोई भी सामान आपको रखना है या कुछ मोमेंटो रख के आप सजावट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने पूरा आपको बना के दिया है। इसी के साथ मैं बात करूंगा पहले एक बार बाहर की साइड से, तो जैसे आप बात करेंगे ये तो अपना आ गया ड्राइंग रूम, इस एंट्री करते ही और इसके साथ में आपको पहला बेडरूम मिल जाता है भाई, पूरा खुला डुला वो रूम मिल रहा है भाई। रूम के साथ में वेंटिलेशन देख लो, पीछे गली आ रही है भाई पूरी गली, ठीक है ना, ये पूरी आपको गली मिल रही है जिसमें आपको यहाँ पे बालकोनी मिल रही है पीछे की साइड, यहाँ पे भी हमने है ना आपको वॉशिंग एरिया बना के दिया है, इसमें टैब लगेगा बाद में जैसा आप कहेंगे वैसा टैब लग जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे हमने इधर स्विच दे दिया है, पावर स्विच आपको देखने को मिल रहा है, अपनी वॉशिंग मशीन आपका प्लग आप लगाइए और भाई पूरी वॉशिंग मशीन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाहर से बहुत अच्छी रोशनी आपको देखने को मिलेगी, रोशनी मैं बंद कर देता हूँ एक बार, तो भाई गेट को मैं एक बार बंद कर देता हूँ आपको दिखाऊँ। यहाँ पे भी हमने टेक्सचर पेंट टेक्सचर वॉलपेपर का प्रयोग किया है, बहुत ही अच्छा लुक आपके कमरे को मिलेगा। आपको भाई पूरी अलमारी मिल रही है नीचे से ऊपर तक की, आप देख सकते हैं। अभी फाइनल टच बचा हुआ है, मैं बता के चल रहा हूँ, अभी फर्निशिंग चल रही है पूरे बिल्डिंग के अंदर, तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लगा के दी जाएंगी, फैन इसमें साथ में आपको मिल रहा है। तो ये रहेगा आपका वन पहला बेडरूम, ठीक है ना, पहला बेडरूम आपका इधर आ जाएगा। यहाँ पे एंट्री करते ही आपका ड्राइंग रूम आ गया, ड्राइंग रूम से किचन साथ में आ रही है, इसी के साथ मिल रहा है भाई आपको वॉशरूम, सबसे बड़ी चीज़ भाई अब वॉशरूम आ रहा है इधर, ठीक है ना। वॉशरूम कितना खुला डुला स्पेसियस है, पीछे गली है तो पूरा वेंटिलेशन, यानी कि पूरे फ्लैट में आपको रोशनी ही रोशनी मिलेगी। मैं अगर लाइट बंद कर दूँ फ्लैट की तो उसके बाद भी आपको पूरे फ्लैट में रोशनी ही देखने को मिलेगी। इसमें हमने अभी कुछ नहीं लगाया है, इसमें वॉश बेसन लगेगा या आपको लैट्रिन सीट लगेगी या आपकी जितनी भी टैब लगेगी वो आपके अकॉर्डिंग बाद में लग जाएंगे जब आप यहाँ पे आना चाहेंगे रहने के लिए आएंगे, फिनिशिंग हम करके देंगे, ठीक है ना। ये आ गया भाई आपका सेकेंड बेडरूम, हम इसको मास्टर बेडरूम बोल लें कैसे भी बोल लें, वैसे मास्टर बेडरूम ही रहेगा क्योंकि इसके साथ भी आपको बाथरूम अटैच मिल रहा है। ये भी पूरा स्पेसियस बाथरूम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। टाइलिंग का काम हमने प्रॉपर अंदर करके दिया हुआ है, आपको पूरी बढ़िया तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको स्विच भी मिल रही है ना तो आप देखिए फ्लैट स्विच है, आप एक बार देखेंगे स्विच फ्लैट हैं, ये हमने आपको बहुत ही ब्रांडेड कंपनी के फ्लैट स्विच दिए, देखो ठीक है ना। ये देखो, अब देखो अंदर मैं आपको दिखाऊं, पूरी टाइलिंग का काम है, मैंने लाइट ऑन कर दी है अंदर की, ये देखो पूरी ऊपर से नीचे तक हाइट ऊपर तक हमने है ना हाइट तक पूरी टाइलिंग आपको दी है। इसमें भी सारी जो भी चीज़ें लगनी होती हैं बाथरूम में आपको बाद में जब आप आएंगे आपको लगा के दे दी जाएंगी। इसमें भी वैसे ही हमने है ना हर रूम के अंदर यही वॉलपेपर यूज़ किया है ताकि आपको एक अच्छा सा लुक निकल के आए, ऊपर भी फ़ैन मिल रहा है आपको साथ में, इधर भी बालकोनी भाई ये लो,
खुली डुली हवा है ना, हर जगह से खुली डुली हवा मिलेगी। फ्रंट में बालकोनी, पीछे बालकोनी, साइड में गली। तो आप देख रहे हैं, इधर मैं दिखाऊं, जो मैं साइड की गली की बात कर रहा था, आप देखो साइड में ये गली आ जाती है, ये वाली भी बंद गली आपको मिल रही है, ठीक है ना। पर इसमें हमारा एंट्रेंस नहीं रहेगा, इसमें बराबर के आ जाएंगे। हमारे बालकोनी के सामने जो हमारी गली रहती है, ये भी आपको 25 से 30 फुट की गली मिलेगी, जिसमें अभी बिल्डिंग्स बन रही हैं, काम चल रहा है। तो ऐसे ही फ्रेश बिल्डिंग सारी बनी है, आराम से आप गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो आप सामने जैसे भी देख रहे हैं, ये जो आपको स्टील की ग्रिलिंग मिल रही है ना, इसके साथ हमने एक टफंड ग्लास लगा के दिया है, ताकि आपका लुक यहाँ से भी बहुत अच्छा रहे। इधर आप देख रहे हैं, जो आपके अंदर बाथरूम था, उसकी वेंटिलेशन के लिए चीज़ें आ गई हैं, ठीक है ना। तो भाई एक बहुत ही अच्छा स्पेसियस खुला डुला फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छे स्विचेज हमने यूज़ करके दिए हैं आपको, ठीक है ना। फैन साथ में लगा के दे रहे हैं हम, ये देखिए फैन प्रॉपर साथ में आपको लगा हुआ मिल जाएगा। पूरे स्पेसियस आपको बाथरूम मिल रहे हैं, स्पेसियस, इतना स्पेसियस ये फ्लैट रहने वाला है। हाँ, आप लाइटें वाइटें बंद कर दें, मैं आपको एक बार एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पूरी प्रॉपर लाइटें बंद कर दी हैं, इधर से भी सारी लाइटें हम बंद कर देते हैं एक बार। ये देखिए प्रॉपर मैंने लाइटें बंद कर दी, फिर भी आपको है ना पूरा इसके अंदर रोशनी दिखाई दे रही होगी। पूरे घर में ऐसे ही खुली हवा रहेगी, पूरे घर में ऐसे ही रोशनी रहेगी। तो भाई इसके प्राइस क्या जाने वाले हैं, ठीक है ना, कितना लोन हो जाएगा, रजिस्ट्री का क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको मोहित भाई से पूछवाता हूँ, उनको सामने लेकर आते हैं। आपका पसंदीदा चेहरा मोहित भाई, इनको सामने ले आए और इसे पूछ लेते हैं कि भाई इस फ्लैट के प्राइस क्या रहेंगे, क्योंकि बिजली का खर्चा तो आपका आना ही नहीं है, चारों तरफ से आपको लाइटें लाइटें बाहर से रोशनी मिल जाएगी, हवा खुली डुली चल रही है यहाँ पे। तो मोहित भाई थोड़ा सा प्राइस का बताएं और थोड़े कुछ आसपास की एमिनिटीज मिल जाती हैं वो चीज़ें बताएं। देखिए एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो एमिनिटीज़ तो सारी ही लगभग यहाँ पे हमारी जो ज़रूरत रहती है वो ज़रूरत की सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में है। आसपास जो काम चल रहा है, हमारी सोसाइटी के बाहर जो चल रहा है, हाईवे पे जो काम चल रहा है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से, दिल्ली का नॉर्थ कैंपस यहाँ से मात्र 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। अच्छा, मेट्रो आपके बिल्कुल नज़दीक में है, 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में। आपसे 6 महीने बाद जो हमारी खजूरी मेट्रो स्टेशन है, अगले 6 महीने में आपको यहाँ पे मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, फिलहाल जो है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हमारा शिवगया मेट्रो स्टेशन और 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ISBT कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है। भाई तो ISBT कश्मीरी गेट, जहाँ से पूरे इंटरनेशनल, इंडिया से बाहर की भी बसेज आपको देखने को मिल जाती है, वो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर पे पड़ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। और अब यहाँ पे फिलहाल जो मेट्रो 6 महीने के अंदर आ जाएगी, वो खजूरी मेट्रो स्टेशन पास में बन रहा है, वो 6 महीने में वर्किंग हो जाएगा, जो यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास, 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अभी जो रनिंग है वो शिव विहार का जो है वो मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो मेट्रो भी पास में ही है, 2-2 मेट्रो की लाइन्स यहाँ पे लग रही हैं। और भैया ने जैसे शुरू में ही बताया कि यहाँ पे क्या कहते हैं, दिल्ली से देहरादून वाला बाईपास मिल रहा है, तो कनेक्टिविटी की तो कमी नहीं है, एक्सप्रेस वे ऐसा मिल रहा है जिसपे आपको ट्रेन तो मिलना ही। 2 घंटे के अंदर आप यहाँ से देहरादून का सफर तय करेंगे। और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अक्षरधाम से लेके सीधा सहारनपुर तक बना रहे हैं, जिसको देहरादून वाले हाईवे में कनेक्ट कर रहे हैं। वो अक्षरधाम से स्टार्ट हो रहा है, आप मेरी बात सुने, अक्षरधाम से सीधा देहरादून जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको अक्षरधाम भी जाना है ना, तो हाईवे पे चढ़ गया, मिनटों में 10 मिनट में मुश्किल से आप 10 मिनट में अक्षरधाम जा सकते हो। बीच में जितनी भी दिल्ली का एरिया आएगा, आप कहीं भी नीचे उतर सकते हो और अपना काम करके वापिस आ सकते हो। अगर आपको जॉब के लिए कहीं जाना है तो कनेक्टिविटी प्रॉपर मिल रही है, बिल्कुल। तो भैया फ्लैट के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में हमने सारी बातें की, ठीक है ना। ये फ्लैट कितने स्क्वायर फीट में मिल जाएगा? देखिए ये इस फ्लैट का जो एरिया है वो तकरीबन आपका 70 गज का फ्लैट है ये। और फ्लैट की बात करी जाए, जैसे हमारे पास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ये तीनों ही रेंज हमारे पास रहती है। 10 लाख से 1 BHK शुरू हो जाता है, 2 BHK मात्र 15 लाख से शुरू होता है, वही 3 BHK हमारे पास 23 लाख रुपए से शुरू हो जाता है, ठीक है। जिनमें कि हम बैंक से 90% तक, और अगर आपकी और अच्छी प्रोफाइल है तो हम 95% तक का भी लोन आपका करवा देते हैं। प्रॉपर रजिस्ट्री होके लोन हो जाता है, पक्की रजिस्ट्री है, प्रॉपर रजिस्ट्री यहाँ पे होती है। और लोन जो मिल रहा है आपकी सोसाइटी पूरी हमारी अप्रूव्ड है, GDA से अप्रूव्ड सोसाइटी है ये, और इसी के बिहाव पे जो बैंक फंडिंग करते हैं, बैंक फंडिंग करते हैं। तो आपने बताया कि 2 BHK आपके पास 15 लाख से स्टार्टिंग जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फ्लैट का क्या प्राइस है? देखिए इस फ्लैट का प्राइस जो रहेगा वो मात्र 17.5 लाख रुपए रहेगा, मात्र
मात्र 17.5 लाख रुपए में 2 BHK आपको 70 गज के अंदर विद ऑल एमिनिटीज गेटी सोसाइटी में मिल रहा है। तो भाई इससे अच्छी डील आपको नहीं मिलने वाली। फटाफट भैया के हमारे जो नंबर हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और अदर इससे भी डील चाहिए, किसी भाई को 3 BHK 1 BHK चाहिए तो उनके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विजिटिंग आप ऑल डे रहती है, जब भी आपका मन करे आप हमसे कॉल पर संपर्क करके विजिट कर सकते हैं। कभी भी आप आएँ 10 से लेकर 6 से 7 बजे तक आप कॉल करें, उसी टाइम पे आपकी कॉल आराम से पिक होगी ताकि आपको अच्छा सा आंसर देखने को मिल जाए, हम आपको पूरा तरीके से गाइड कर पाएं। बाहर का एरिया आपने देखा, मैंने बीच बीच में आपको दिखाने की कोशिश की, मार्केट, स्कूल्स, रोड्स कितने वाइड हैं, बराबर में सोसाइटीज, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। फिर भी आप चाहते हैं एक प्रॉपर वे से विजिट करना तो विजिट कीजिए और अपने फ्लैट को लेकर एक अपने सपनों के संसार में गृह प्रवेश कीजिए। और ऐसी वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी फ्रेंड सर्कल में आपके रिश्तेदारों को किसी को अगर फ्लैट की नीड हो तो वो मेरी वीडियो देखकर या उनको आप वीडियो शेयर करके उनके लिए भी एक सपनों का घर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन दबा लें ऐसे नए नए फ्लैट्स की प्रॉपर्टी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टिल देन बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।